सबसे पहले हमें कंपोनेंट में चाहिए एक ऐसा 12 वोल्ट का रिले, एक चाहिए ऐसा 1 किलो ओम का रजिस्टर, एक चाहिए ऐसा IN4007 का डायोड, एक चाहिए ऐसा BC547 का ट्रांजिस्टर, एक चाहिए ऐसा बजर जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, और चाहिए हमें सप्लाई के लिए ये जो 12 वोल्ट का एडेप्टर रहता है। ये इतने कंपोनेंट हमें चाहिए पानी की टंकी के अलार्म सिस्टम बनाने के लिए। ये जो रिले है उसको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको रिले कैसे काम करता है वो नहीं पता है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन के ऊपर आपको ये वीडियो की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जा कर देख सकते हैं। ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमें सप्लाई देना होता है, ये हमारा कॉमन कनेक्टर रहता है और यहाँ पे NO NC कॉन्टेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमारा डायोड है इसका नेगेटिव यानी कि ये जो सिल्वर पट्टी है उसको इस साइड और जो ब्लैक पट्टी है उसको यहाँ पे पॉजिटिव साइड के ऊपर रखना है, यानी कि इस तरह से हम लोग इसको सोल्डर करते हैं। ये जो हमारा डायोड था उसको यहाँ पे लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा इसके जो पोर्शन है उसको निकाल देना है। तो ये कटर की मदद से मैं इसको हटा लेता हूँ। अभी क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये BC547 का ट्रांजिस्टर लेना है और इसकी जो तीन पट्टी रहती है एमीटर बेस और कलेक्टर की, तो जिसमें पहली वाली जो रहती है वो एमीटर की रहती है यानी कि ये साइड की एमीटर बेस और कलेक्टर। तो अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा एमीटर है उसको हमें इस तरह से मुड़ देना है और यहाँ पे ये जो हमारा है डायोड उसका नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको भी कनेक्ट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो ट्रांजिस्टर का बेस है यहाँ, तो इसके ऊपर से ये 1 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे सोल्डर कर देना है। चलिए इसको भी यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसका भी कनेक्शन कर दिया है और रजिस्टर का भी कनेक्शन कर दिया। अभी हमसे एक मिस्टेक ये हुई कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी पिन आउट हमने गलत बोल दिया है, यानी कि ये जो है ना वो एमीटर नहीं है बल्कि ये कलेक्टर की रहती है, ये बेस की रहती है और ये एमीटर की रहती है। बस इतना फ़र्क है, बाकी सर्किट तो यही रहेगी, जस्ट हमने कुछ गड़बड़ कर दी थी बोलने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें 12 वोल्ट का सप्लाई देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 12 वोल्ट का सप्लाई है उसका पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करना है और इसका जो नेगेटिव है वो कलेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। और साथ ही में हम लोग दो काम ये करेंगे कि एक रजिस्टर में से वायर निकालेंगे और एक यहाँ पे जो हमने सप्लाई का पॉजिटिव दिया है वहाँ से एक वायर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सभी वायर का कनेक्शन कर देते, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना। अभी यहाँ तक के हमारे सब कुछ कनेक्शन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक के जो कनेक्शन है वो समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं पता चला तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि डायोड को पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ पर बीच में कनेक्ट कर दिया है रिले के, और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका जो कलेक्टर रहता है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और जो बेस रहता है वहाँ से 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा दिया है, और पीछे जो एमीटर वाला है वहाँ से एक वायर निकाल लिया। अभी हमने जो हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है वो कहाँ दिया है, तो ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का पॉजिटिव आ रहा है और ये जो लास्ट वाला है वहाँ पे हमारा नेगेटिव आ रहा है। इतना समझ में आया। अभी हमने ये दो वायर एक्स्ट्रा जोड़े तो वो किसके लिए वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ से जो वायर हमारे निकलेंगे वो हमारी जाएंगे डायरेक्ट हमारी जो टैंक है पानी की उसके। ये कनेक्शन तो आपको चलो समझ में आ गया। अभी आपको एक प्रश्न भी होता होगा कि ये जो हमने बजर बताया है तो इसका क्या उपयोग करना है। तो जी हाँ, इसका भी हमें उपयोग तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऐसे तो हमने लिया नहीं। तो चलिए अभी इसको हम लोग ये सर्किट के अंदर फिट करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन क्या है कि जब भी टंकी फुल हो जाएगी तो ये जो रिले है वो ऑन होगी। ऑन होगी मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो NC कॉन्टेक्ट रहेगा वो NO कॉन्टेक्ट हो जाएगा और NO कॉन्टेक्ट है वो NC कॉन्टेक्ट होगा। अभी हमें क्या करना है कि NO वाला NC होगा तभी हमारा बजर ये बजना चाहिए, ऐसा करना है। तो हमें ये जो हमारा बजर है उसको NO कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, और साथ ही में ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ NO के साथ रहेगा, और नेगेटिव को हमें सर्किट कंप्लीट पूरी करने के लिए या जो हमारा सप्लाई है वहाँ पे नेगेटिव में देना पड़ेगा। ठीक है, इतना कनेक्शन समझ में आ गया।
अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा कॉमन है वहाँ पर भी तो 12 वोल्ट का सप्लाई का जो पॉजिटिव है वो देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग ये दोनों जो वायर है उसको शॉर्ट कर देते हैं। चलिए अभी मैं फटाफट से सभी कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ बजर का पॉजिटिव लगा लिया है और यहाँ बजर का नेगेटिव, और ये जो दो वायर है उसको शॉर्ट कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो आपको भी इसी तरह से कनेक्शन करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अभी हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए तो पहले हमें ये जो प्लग है उसको बोर्ड में लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा अभी सर्किट यहाँ पे रहेगा। अभी हम लोग यूँ मान लीजिए ये जो है वो हमारा वाटर टैंक है, और यहाँ ये जो दो हमने बनाए थे ना वायर, ये हमारे सेंसर है, तो उसको हम लोग इसके अंदर लगा लेंगे। अभी ये हम सप्लाई ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी भर रहा हूँ, यूँ समझ लीजिए ये हमारी वाटर टैंक है और इसमें पानी भर रहा है। जैसे ही पानी भरता 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 हमारे ये टच होगा तो ये हमारा सेंसर है वो सेंस करेगा और बजर है वो ऑन हो जाएगा। देखा आपने क्या हुआ, जैसे ही हमारा जो ये दोनों सेंसर है वो पानी को टच हुए तो क्या हुआ, ये बजर हमारा ऑन हो गया। देखिए अभी फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ। देखा आपने क्या हुआ, ये जो हमारा बजर है वो 12 वोल्ट का है, और जैसे ही ये हमारे सेंसर इसको टच करेंगे तो ये बजर ऑन हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारी जो पानी की टंकी है वो पूरी भर चुकी है और हमें इसको बंद करना है ताकि हमारा जो पानी का वेस्टेज है वो कम हो जाए।